पूरी दिल्ली में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। बड़ी सभाओं पर रोक लगा दी गई है और किसान संगठनों ने 13 फरवरी यानी आज दिल्ली मार्च का ऐलान कर दिया है। ऐसे में हजारों की संख्या में किसान ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। किसानों को रोकने के लिए दिल्ली में कई बॉर्डर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। यातायात प्रतिबंध लगाए गए हैं और प्रदर्शनकारियों को ले जाने वाले वाहनों को शहर में प्रवेश करने के लिए रोकने के लिए मार्च से पहले सिंघू, गाजीपुर और टिकरी सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था तेज कर दी गई है। नमस्कार, मैं अभिजीत और आप देख रहे हैं द नगरी। अपनी मांगों को लेकर दो केंद्रीय मंत्रियों के साथ 5 घंटे चली बातचीत बेनतीजा रहने के बाद आज किसान अपना दिल्ली चलो मार्च शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले सोमवार को विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पंजाब के विभिन्न हिस्सों से ट्रैक्टर ट्रॉलियां निकली, मुख्य रूप से फसलों को लेकर न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी के लिए, एक कानून पर दबाव बनाने के लिए। जबकि सभी की निगाहें सरकार और किसान के बीच दूसरे दौर की बैठक पर थी। चंडीगढ़ में संघ संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा ने घोषणा की है कि 200 से अधिक किसान संघ अपनी मांगों को स्वीकार करने के लिए केंद्र पर दबाव बनाने दिल्ली जाएंगे। दिल्ली में मंगलवार को प्रदर्शनकारी किसानों को शहर में प्रवेश करने से रोकने के लिए सिंघू, टीकरी और गाजीपुर में राष्ट्रीय राजधानी की सीमाओं को सील कर दिया गया है। बहुस्तरीय बैरिगेटिंग के अलावा पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवानों की बड़ी पैमाने पर तैनाती की गई। नमस्कार।